हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेटा। टुडेज टॉपिक इज सब्सिडरी बुक, क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे। आप ये क्वेश्चन नंबर मैं 1 करा चुकी हूँ, सेकंड आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, अगर किसी को कोई डाउट होगा आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये सेल्स बुक बनानी है, तो सेल्स बुक में क्या आता है, सेल्स बुक का फॉर्मेट पहले देख लीजिए आप। डेट आती है, पर्टिकुलर आता है, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, टोटल अब तक जितना भी जो भी हुआ है, सेल्स अमाउंट होती है, फिर आउटपुट। सेल्स के साथ हमेशा क्या आएगा, आउटपुट CGST, आउटपुट LCST, आउटपुट IGST और टोटल अमाउंट। क्लियर। उसके बाद देखो कह रहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द सेल्स बुक, तो हमें सेल्स बुक बनानी है गणेश एंड कंपनी की, जयपुर राजस्थान का है वो, तो अगर राजस्थान में ही ट्रांजेक्शन हो रही होंगी तो आप CGST और SGST चार्ज करेंगे। अगर राजस्थान से बाहर कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो आप IGST चार्ज करेंगे। हु डील फर्नीचर, जिसने फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है, जो CGST और SGST 6-6% दे रखा है। कह रहा है सोल्ड गुड्स टू, कह रहे हैं गुप्ता फर्नीचर हाउस है आगरा यूपी का है, तो राजस्थान का नहीं है, आउटसाइड द स्टेट है, तो यहाँ पर क्या चार्ज होगा, IGST। और IGST कैसे चार्ज करेंगे, CGST के 6 और प्लस SGST के 6 दोनों मिला के क्या बन जाते हैं, IGST, तो टोटल परसेंट कितना हो गया, 12%। क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा 120 चेयर्स हैं, 2500 पर चेयर है, तो 120 चेयर उसने खरीदी है और एक चेयर की कॉस्ट कितनी है, 2500, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमें पता लग जाएगा टोटल हमने कितने की चेयर्स परचेज किए हैं। 25 टेबल हैं और एक टेबल की कॉस्ट 8000 है, तो इनटू में 25 करोगे तो हमें टोटल टेबल्स का रेट पता लग जाएगा। लेस ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, तो जो आएगा उसे ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दोगे, और उसमें माइनस करने के बाद जो हमारे पास बचता है उस पर हमें क्या देना पड़ेगा, सेल्स कर रहे हैं तो हम रिसीव करेंगे क्या, CGST SGST अगर विद इन द स्टेट है, और आउटसाइड द स्टेट है तो IGST। क्लियर है। सेल करोगे तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST आता है, और अगर परचेज करते हैं तो इनपुट वर्ड आता है, ठीक है। तो फॉर्मेट आपको पता लग गया, हम डायरेक्ट ट्रांजेक्शन्स करेंगे। गुप्ता फर्नीचर हाउस 120 चेयर हैं और 2500 ईच है, मतलब एक चेयर है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 0 0 30, तो ये आ जाएगा 3 लाख, ठीक है। 25 टेबल्स हैं एट द रेट 8000 ईच कह लो, पर चेयर कह लो, बात एक ही है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 0 0 8 4 जा 44 8 2 जा 16 और 4 20, 2 लाख, टोटल कितना आ जाएगा, 5 लाख। ये तो आई है अमाउंट, अब हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है, वो 5% है, तो कितना आ जाएगा, 25000, 5 लाख का 5% करेंगे जब आप, तो 25000 आ जाएगा। इसका मतलब टोटल एक्चुअल आपने कितने की किया है, सेल 4 लाख 75000 की, इस पे IGST चार्ज करेंगे आप, 4 लाख 75000 पर IGST चार्ज करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, हमारा आएगा ये, एक मिनट, 12%, 57000, ठीक है। 57000 क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि IGST आप रिसीव्ड करोगे, जब सेल करोगे तो आप रिसीव करोगे, टोटल अमाउंट कितनी रिसीव करोगे, चाहे गवर्नमेंट को देना पड़ता है पैसा, लेकिन आप रिसीव तो दिखाते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 0 0 12 13 5 5 लाख 32000। अब अमाउंट को सिर्फ ट्रांसफ़र करना है, सेल कितने का किया था, 4 लाख 75000 का, CGST था नहीं, SGST था नहीं, क्योंकि आउटसाइड द स्टेट था, इसलिए यहाँ पर आएगा 57000 और टोटल आ जाएगा 5 लाख 32000।
ठीक है बेटा, ये देखो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है सोल्ड टू राजा फर्नीचर हाउस, ये गुजरात में है। तो देखो गुजरात भी हमारा आउटसाइड द स्टेट हो जाएगा, अगर राजस्थान ही लिखा होगा तो ही वो विद इन द स्टेट होगा, अब ये गुजरात में कह रहा है तो ये भी आउटसाइड द स्टेट है, तो इस पर भी IGST चार्ज होगा। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। राजा फर्नीचर हाउस यहाँ पर लिखेंगे, कितने तरीक की बात है ये, 8 जून, मेरा हैंड थोड़ा वैसे पड़ता है, राजा फर्नीचर हाउस, और क्या क्या है अमाउंट, अमाउंट है हमारी फर्स्ट 8 अलमीराज हैं, 8 at the rate 15,000 ईच, और 9 स्टील कैबिनेट्स हैं और 20,000 ईच, कितना आ जाएगा ये 120,000, 1,20,000, तो इसका आ गया, और इसका कितना आएगा, ये कितना था 20,000, तो यहाँ आ जाएगा 1,2,3,4, टोटल आ गया मेरा 0,0,0,0,10,3,3 लाख। 3 लाख पे क्या लेस करना है, ट्रेड डिस्काउंट, तो यहाँ पर लिख देंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट है, 10%, तो 3 लाख का 10% करेंगे, इनटू में 10% करोगे आप तो माइनस क्या आ जाएगा 30,000, तो अमाउंट क्या आई मेरी 2,70,000। ठीक है, उस पर क्या चार्ज करोगे, ऐड करोगे क्या, क्योंकि आउटसाइड द स्टेट है, IGST एट द रेट 6 और 6 12%, तो कितना आ जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा हमारा 2,70,000 इंटू में 12%, 32,400 आ जाएगा आप लोगों का, 32,400। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 400 × 10 3,3,2,400। तो बस यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, सेल कितने का किया है 2,70,000 का, और CGST है नहीं, SGST है नहीं, और ये आ जाएगा 30, और टोटल आ जाएगा 3,02,400 का। क्लियर हो गया यहाँ तक सब। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, क्या कह रहा है नेक्स्ट में, कह रहा है कंप्यूटर परचेज किया है, और कंप्यूटर मेरी ऑफिस इक्विपमेंट के लिए है, मतलब मेरी फिक्स एसेट है, इसे मैं सेल नहीं करूँगी ना, इसलिए इसकी नो एंट्री आएगी। देखो आप कर रहे काम हो फर्नीचर का, तो एंट्रीज डालने के लिए आपने कंप्यूटर परचेज किया होगा, रीसेल के लिए तो ऑब्वियसली आपने नहीं किया होगा, तो आप इसको इग्नोर कर देंगे। सेम मतलब 20 की नो एंट्री आ जाएगी, 12 की, 20 को कह रहा है 4 सोफा सेट्स हैं, 25 ईच है, 4 कैश कह दिया इसने, तो ये तो किस में ट्रांजेक्शन होगी, कैश बुक में जाएगा, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि कैश बुक की ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में ही जाती हैं, परचेज में और सेल में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आती हैं। क्लियर, नेक्स्ट है सोल्ड टू न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर, ये आएगा, हाँ क्या क्या सेल किया है, यहाँ पर तो आएगा नहीं, तो नेक्स्ट पेज पर ही करेंगे हम, एक मिनट, एक मिनट, तो मैं यहाँ पर इसे यूज़ कर सकती हूँ क्या, ठीक है ऐसे कर लेते हैं हम लोग वैसे, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप लिखोगे 25th, न्यू फर्नीचर हाउस हाउस, और ये आ गया आपका जयपुर, यहाँ पर लिखोगे न्यू फर्नीचर हाउस और जयपुर, जयपुर ही है बेटा, तो लिखोगे यहाँ पर कितना, 5 सोफा सेट्स
एट द रेट 20,000 ईच, और दूसरा क्या है 10 टेबल्स एट द रेट 8,000 ईच। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको, मैं ऐसे फॉर्मेट से ही कर लेते हैं। देखो इसमें कितना आ जाएगा, 5 × 10 1 लाख, और ये आ जाएगा 80,000, क्योंकि इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं दे रखा है, इसलिए टोटल आ जाएगा 1,80,000। और जयपुर में ही है तो क्या चार्ज होगा, CGST और SGST। तो यहाँ पर क्या करोगे, ऐड CGST एट द रेट 6% और SGST एट द रेट 6%, कितना आ जाएगा ये 10,800। तो हम टोटल कर देंगे अब इसको, कितना आ जाएगा 1,80,000 में 10,800 और 10,800, 1 लाख नहीं है, अच्छा 1,80,000 में 0,0 ये आ जाएगा टोटल 2,01,600। तो टोटल टोटल में लिख देंगे, देखो यहाँ पर लिखते हैं सेल, सेल कितने की है, इसका मतलब 1,80,000 की। CGST कितना है 10,800, SGST 10,800, ठीक है। IGST है नहीं तो उसे इग्नोर करेंगे, टोटल अमाउंट आ गई 2,01,600। अब कुछ नहीं करना, अब हमें क्या करते हैं इसका टोटल कर देना है। तो आप लोग देख लेंगे, टोटल लिखेंगे हम यहाँ पर, टोटल देखो कैसे आएगा 1,80,000, 4,75,000, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, दिख रहा है ना, एक मिनट दिख रहा है क्या, ऐसे 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 ऐसे, एक मिनट तीनों चीज़ें दिखा देते हैं हम आपको। देखो कितना कितना है, 4,75,000, 2,70,000 सेकेंड है, और थर्ड है 1,80,000। तो ये आ जाएगा 7, 14, 15, 16, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 9,25,000 करेक्ट आ रहा है, ये आएगी हमारा 9,25,000, ये आ गई सेल, ठीक है। तो देख लें ये दो और एक ट्रांजेक्शन ये है, ये कितना आएगा हमारा टोटल, क्योंकि ये इनमें तो है नहीं तो यही आएगा 10,800, इसमें भी SGST कुछ भी नहीं है तो 10,800, IGST इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 57 और 82,489,589,400 मेरा IGST आ जाएगा, 89,400, और टोटल इन सबको टोटल कर देंगे अब हम 5,32,000, 3,02,400 और नेक्स्ट है 2,01,600, 0,00,6,3,10, 10,36,000 ही आ रहा है, 10,36,000, क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो बेटा ये देखें, और आगे ट्रांजेक्शन्स हैं, बट देखो ध्यान से, ये कह रहा परचेज किया है, परचेज बुक में आएगा, किस में आएगा, परचेज बुक में, तो ये रह गई ये जो ट्रांजेक्शन, तो यहाँ नहीं आएगी, ये किस में आएगी, हमें सेल्स बुक बनानी है सिर्फ, ये किस में जाएगी, एक मिनट बेटा बहुत धुंधला दिख रहा है, हाँ ठीक है, तो ये परचेज बुक में जाएगी ट्रांजेक्शन्स, क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप लोगों को, ठीक है। तो आप मैनेज कर लेना प्लीज़, अगर ये क्वेश्चन भी हो गया, सेकंड क्वेश्चन अगर कहेंगे आप करा दूंगी मैं आपको, तो ये चैप्टर बहुत आसान सा है तो आप कर पाएंगे, ये लो अच्छे से देख लो आप लोग, और ये थर्ड, ठीक है ऐसे पेज पर रख देती हूँ थर्ड, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद फ्रेंड्स, थैंक यू।